हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे भूरा या तगार। इसके लिए मैंने लिया है एक कप शक्कर, ग्राम में ये 250 ग्राम है। उसके अलावा आधा स्पून घी यूज़ करेंगे और एक या दो स्पून दूध। सबसे पहले मैंने एक पैन रखा है, उसमें मैंने डाला है एक कप शक्कर और अराउंड आधा कप मैंने पानी डाला। आप चाहो तो 1/4 कप भी डाल सकते हो। उसके बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स करके अच्छे से बॉईल आते तक मैंने पका लिया, मतलब हाफ मैंने पकाया। जब ये आधा पक गया उसके बाद मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। दूध डालने से शक्कर में जो इम्प्योरिटी गंदगी होती है वो निकल जाती है, इसे दूध डाल के एक बार उसकी गंदगी निकालो तो जो तगार या भूरा है वो बहुत अच्छे से बनता है। अब आप देख सकते हैं जैसे इसमें उबाल आ गया, गंदगी पूरी ऊपर आ गई है। अब मैं इसको स्पून से एक जगह इकट्ठा कर कर जो चाय की छन्नी होती है उसकी सहायता से हम इसे निकाल लेंगे। ये भूरा या तगार बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम चीज़ों में बनके रेडी हो जाता है। अभी मैंने सारी जो गंदगी एक जगह इकट्ठा कर लिया और उसको छन्नी से निकाल रही हूँ। आप चाहो तो झारे की सहायता से भी इसको निकाल सकते हैं। अब ये चाशनी एकदम क्लीन हो गया, इसे हम लोग एकदम गाढ़ा होते तक पकाएंगे। इसे चेक करने के लिए हम लोग एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेते हैं, पानी लेके चेक करेंगे। इसे पकाने में मुझे अराउंड 10 मिनट का टाइम लगा है। 10 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा मैं चाशनी डाल रही हूँ। यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा ये एकदम कटोरी में नीचे बैठ गया, जमने वाली कंसिस्टेंसी में है। या फिर आप उंगली की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। उंगली के बीच में दबाकर जब आप छुड़ाओगे तो ये आसानी से नहीं छूटेगा, मतलब जैसे ग्लू चिपकता है उस तरीके से हो जाएगा। या फिर आप देख सकते हैं कढ़ाई में वाइट वाइट भी है, वो भी है तो मतलब चाशनी बनके रेडी है। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून घी डाला है। घी डाल के अराउंड 2-3 सेकंड मैंने अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। ऑफ करके इसे मैंने नीचे उतारा है। नीचे उतार कर अब इसे हम लोग लगातार चलाएंगे, कंटिन्यूसली इसको मिक्स करना है, अदरवाइज़ ये जम जाएगा। अभी इसे मैं लगातार मिक्स कर रही हूँ। लगातार मिक्स करने से आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ये एकदम खिला खिला बन गया है। कभी कभी तगार में थोड़े मोटे दाने रह जाते हैं तो उसे छान के ग्राइंड करके यूज़ कर लेना, पर यहाँ पे हमारा तगार एकदम दानेदार और खिला खिला बन के रेडी है। ये तगार बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हम लोग घी डाल के गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, उसके बाद इसे कंटिन्यूसली मिक्स करना है। अब मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूँ। इसी कप से मैंने एक कप शक्कर लिया था। अब तगार बनने के बाद ये 1.5 कप बन गया है, मतलब क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा ही बनता है। इसे बनाकर आप 3 से 4 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं। अब आप भी ये तगार या भूरा ज़रूर बनाइए और रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।